गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री राम। माय सेल्फ डॉक्टर शुभेंदु श्रीवास्तवा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे गाउट यानी गठिया पे। तो गाउट एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कंडीशन है, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड बहुत लंबे समय तक उस यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहता है, हाइपर यूरिसीमिया डेवलप करती है, तो उसके कारण ज्वाइंट पे रिकरेंट अटैक होता है, जिससे ज्वाइंट लाल, रेड, टेंडर, हॉट, स्वेल्ड और बिल्कुल गर्म आदि महसूस होता है। तो हम बात करेंगे इसका कारण क्या है। जब यूरिक एसिड ब्लड स्ट्रीम में बहुत लंबे समय तक बढ़ा रहता है और अनट्रीटेड रहता है, तो हमारे जॉइंट्स के अंदर निडल शेप के मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हमारे जॉइंट के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है और एक्सट्रीम केसेस में, बिल्कुल अनट्रीटेड एक्सट्रीम केसेस में टोफाई बन जाती है। टोफाई मतलब गांठें बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। कॉजेज मतलब या तो आप डाइट से बहुत ज्यादा यूरिक एसिड ले रहे हैं, और या तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा। तो डाइट से लेने का मतलब ओवर कंजम्पशन ऑफ रेड मीट, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड बियर, ओवर कंजम्पशन ऑफ सी फूड, और कुछ कारण, कुछ हद तक जेनेटिक्स और कुछ मेडिकेशन, ये सब इसके कॉजेज हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम पे। तो साइन और सिम्टम, पहले ये जानिए कि ये ओल्डर मेल्स में या फीमेल, जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, उनमें बेसिकली देखने को मिलता है। इसके साइन और सिम्टम में, ग्रेटर टो के पास मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, ग्रेटर टो मतलब अंगूठा, पैर के अंगूठे के पास मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट पे ये मोस्ट ऑफनली देखने को मिलता है। लेकिन और अन्य जॉइंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे हील, एड़ी, आपका घुटना, रिस्ट और उंगलियां। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट दर्द कंप्लेंट करता है, वहां बहुत स्वेलिंग हो जाती है और जॉइंट जो है वो जॉइंट का मूवमेंट बिल्कुल ही कम हो जाता है, उसका रेंज ऑफ मोशन भी बहुत डिक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट में हम यूरिक एसिड का जांच करेंगे, ESR देखेंगे और ब्लड सेल काउंट देखेंगे, ये सब देखेंगे। फिर साइनोवेल फ्लूड का एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल साइनोवेल फ्लूड में देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन तो इसकी एलोप्यूरिनॉल है। एलोप्यूरिनॉल इसकी प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसे हम विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन सी, कॉफी, चेरी, ये हेल्प करता है एक्यूट गाउट के अटैक को प्रिवेंट करने में। और हमने जैसे आपको पहले बताया कि रेड मीट और अल्कोहल, बियर, इन सब का कंजम्पशन, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का कंजम्पशन, ये सब रिड्यूस करिए, बिल्कुल ना लें। तो ये इसका प्रिवेंटिव मेजर है। अब मेडिकेशन में हम आपको बताते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम सबसे पहले इसमें एनसेड देंगे, एनसेड में कोल्चिसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एलोप्यूरिनॉल, फेबोक्सोस्टेट, प्रोबेनासिड, ये सब इसकी मेडिकेशंस हैं जिसके माध्यम से मरीज को राहत दी जा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।